हेलो एवरीवन, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं फटाफट से। ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है वो नहीं बनेगा। तो चलिए, बावड़ियों से संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे उनकी भी बात हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले है आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी। तो वैसे तो चांद बावड़ी दो हैं, एक तो दौसा में है और एक जोधपुर में है, ठीक है। तो जो जोधपुर की चांद बावड़ी है उसका निर्माण तो चांद कंवर ने करवाया था, ठीक है। राव जोधा की जो रानी थी चांद कंवर, उसने निर्माण करवाया। और दूसरा, ये जो दौसा वाली जो चांद बावड़ी है आभानेरी की, इसका निर्माण जो है वो राजा चंद ने करवाया। और इस जो बावड़ी है इसकी खास बात यह है कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, और इसमें जो है तिलिस्म बावड़ी इसको भी कहेंगे और भूल भुलैया बावड़ी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बावड़ी की जो सीढ़ियां हैं, इससे नीचे उतरने के बाद जब वापस इस आना होता है तो वापस आने में जो है वो परेशानी होती है, ठीक है। वापस नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर से देखने पर ये जो बावड़ी है ये ऐसी लगती है जैसे कि तारे की तरह जो है वो टिमटिमा रही हो। गुर्जर प्रतिहार काल में जो है ये बावड़ी जो है वो बनती है, और इसके किनारे जो है हर्ष माता का मंदिर भी है। गुर्जर प्रतिहार काल में निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? चंद ने करवाया था। और वहीं पर मैंने आपको बताया कि राव जोधा की जो रानी है चांद कंवर, उनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में करवाया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी। तो त्रिमुखी बावड़ी जिसका निर्माण जो है वो महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 1652 से 80 तक जो है इसका निर्माण जो है ये करवाती हैं। नेक्स्ट देखिए बीकपुरी बावड़ी। तो पूछा यही जाएगा एग्जाम में कि बावड़ी जो है ये कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने करवाया। केवल ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीकपुरी बावड़ी ये कहाँ है? उदयपुर में है। और बीरू रानी व पुरी जी के नाम को मिलाकर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो बीरू रानी और पुरी जी, ठीक है, बीरू का बी और पुरी जी का पुरी, इन दोनों को मिलाकर जो है इस बावड़ी का नाम रखा गया, और ये बावड़ी जो है वो फिर वीरपुरी बावड़ी कहलाई। तो कहते हैं कि इस जो बावड़ी है इसका निर्माण जो है वो वीरू रानी ने एक साधु के कहने पर जो है ये बनवाई, ठीक है। फिर देखिए रानी जी की बावड़ी। ये बावड़ी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आया हुआ है इस बावड़ी से संबंधित। पूछा जाता है कि राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था और कहाँ करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था बूंदी में। और बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां होने के कारण बूंदी शहर को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यहाँ पर जो है बहुत सारी बावड़ियां हैं, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। या फिर इसे बावड़ियों का जो है वो सिरमौर भी कहा जाता है, ताज भी कहा जाता है। किसे? रानी जी की बावड़ी को, इतनी ज्यादा ये खूबसूरत है। और इस बावड़ी के किनारे जो है वो शिव और पार्वती की जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं। भावल देवी बावड़ी ये कहाँ पर है? बूंदी में है। इस बावड़ी का निर्माण महाराव भाव की पत्नी भावल देवी ने करवाया था, ठीक है। और बूंदी में ही काकी जी की बावड़ी भी है, ये भी याद याद रखें आप। इसका निर्माण जो है वो सरदार सिंह की जो पत्नी थी आली देवी, उन्होंने करवाया था काकी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में, ठीक है। तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी है, भावल देवी बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है, तीनों के नाम आप ध्यान में रखें। नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी जो है वो कहाँ है? डूंगरपुर जिले में है। और इस बावड़ी का जो निर्माण है किसने करवाया? महारावल आसकरण की रानी पेमल देवी या प्रीमल देवी, ठीक है, या ताराबाई भी इनका नाम जो है, तो प्रेमल देवी जो है इनके द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। मेड़त जी की बावड़ी ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। झुंझुनू के शासक शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद रानी बखंत कंवर मेड़तड़ी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मेड़त जी की बावड़ी का, ठीक है। फिर देखिए जोहड़े। जोहड़े जो है वो शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। अब देखिए राजस्थान के बाहर के जो बच्चे हैं अदर स्टेट के, उनको तो नहीं पता होगा बावड़ी होती क्या है, जोहड़े होते क्या है। सबसे पहले जो है वो समझ लें
कि बावड़ी क्या होती है। बावड़ी जो है वो एक सुंदर तरीके से तालाब जो होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके जो है वो बनाया जाता है, यहाँ तक कि उसके पैंदे तक जो है वो पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ, खूबसूरत जो है वो सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो वर्षा का पानी इकट्ठा हो सके, ठीक है। और यहाँ पर जो है रानी वगैरह जो होती थी, जो भी शासक होते थे उनकी जो रानियां होती थी, वो अक्सर जो है वो यहाँ पर जो है लुफ्त उठाया करती थी, ठीक है। यहाँ पर जो है और कारीगर जो होते थे उनसे बहुत अच्छी अच्छी जो तस्वीरें जो है वो भी बनवाया करती थी, ठीक है। तो अक्सर जो बावड़ियां हैं उनका निर्माण जो है वो रानियों के द्वारा ही करवाया गया। दूसरा शब्द आता है कुंड। कुंड आप सभी जानते हो, बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसमें, ठीक है। बावड़ी में भी इकट्ठा होता है, लेकिन बावड़ी जो है वो सुंदर तरीके से बनाई जाती है, सीढ़ियां भी उसमें होती हैं उतरने के लिए। फिर देखिए एक ये जो शब्द है जौहर, ठीक है, ये जो होता है ये भी इसी तरीके का होता है, और ये ऊपर से खुला होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो है ऊपर से खुला होता है, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है, और इसके चारों तरफ जो है वो सीढ़ियां लगाई जाती हैं, ठीक है। फिर जो टांका सुनते हैं हम, टांका, उसमें भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और ये घर में जो टंकी होती है उसकी तरह ये बना होता है, ठीक है। तो जयपुर जो है वो टांकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुआं आप सभी जानते हो, तालाब आप सभी जानते हो। तो जौहड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जौहड़ जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, ऊपर से खुला होता है, और चारों तरफ जो है उसके जो है वो सीढ़ियां लगी होती हैं वहां पर पहुंचने के लिए। और फिर जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर ये आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है वो बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे वर्ष भर जो है यूज में लेते हैं, ठीक है। और देखिए जौहड़े जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, शेखावटी के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में तो वहां पर पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए बनाए ही जाते हैं। इसके अलावा शेखावटी के जौहड़े जो है वो बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जहां पर चीजें जो है वो सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं, लोग जो है उनको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो और उनमें उनमें जो है कलाकारी और भी कर दी जाती है, जैसे बावड़ियां हो गई, जौहड़े हो गए, ठीक है। तो चूरू के जौहड़े जो है वो प्रसिद्ध है, पथराला जौहड़ा, पीथाड़ा जौहड़ा और सेठना का जौहड़ा, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आया होगा। फिर देखिए कुछ अन्य बावड़ी और हैं, तो जिसमें महत्वपूर्ण बावड़ी तो देखो हमने बात कर ली है, जिसमें हमने देखो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की है हमने बात कर ली, चंद द्वारा बनवाई गई। चांद बावड़ी जो जोधपुर की है वो किसने बनवाई थी, जोधा जो थे उनकी रानी चांद कंवर ने बनवाई थी, ठीक है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है हमने बात कर ली, प्रीमल देवी ने बनवाई। फिर हमने जो इम्पोर्टेंट बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, उसको तो आप भूलना ही नहीं है, बूंदी में है, ठीक है। और बावड़ियों का जिसे सिरमौर कहा जाता है, ताज कहा जाता है, और जो नाथावती हैं उन्होंने बनवाई थी रानी जी की बावड़ी। नाथावती कौन थी, महाराजा अनिरुद्ध की पत्नी थी, ठीक है। फिर हमने भावल देवी बावड़ी, कांका जी की बावड़ी, वो भी बूंदी में ही है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। और उसके बाद थोड़ी अन्य बावड़ियां और हैं जो आप याद रख लेना, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है, क्योंकि चार ऑप्शन यदि दे देता है एग्जामिनर और पूछ लेता है कि इसमें से जो प्रसिद्ध बावड़ी बूंदी की नहीं है, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अनारकली की बावड़ी, नादर खूस की बावड़ी, और इसके अलावा चांद बावड़ी, ठीक है, और एक बावड़ी और दे दी जाए भावल देवी बावड़ी, इसमें से कौन सी बूंदी की बावड़ी नहीं है, तो आप कैसे याद करोगे, इनके नाम आप याद रखोगे जभी तो आंसर सही कर पाओगे। तो नाम तो आपको ध्यान में ही रखना है, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है, लवाड़ की बावड़ी दौसा में है, अनार बावड़ी बूंदी में है, नादर खूंस की बावड़ी बूंदी में है, राजा जी की बावड़ी कहाँ है, बारा में है, भीका जी की बावड़ी अजमेर में है, जच्चा की बावड़ी हिंडौन सिटी में है, तापी की बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में है। ये तापी की बावड़ी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। जालब की बावड़ी ये भी जोधपुर में है, और नाजर जी की बावड़ी ये भी कहाँ है, जोधपुर में है। तो यहाँ हमने जो है महत्वपूर्ण जो बावड़ियां हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।